let it hang, hang. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज है हमारे चैनल का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तो ना मतलब आज ना हम लोग थोड़े से बर्थडे ब्लॉग शूट कर रहे हैं और मैं ना खुद से बलून फुला रही हूँ और तब तक इसका हवा ही निकल जा रही है। तो मैंने बोला ये बोल रही है नहीं बहुत ईजी है, तो मैंने बोला चल तू ही फुला, अभी देखते इसका हाल क्या होता है। ये फुला रही है, तब तक मैं ना आपको थोड़े से डेकोरेशन दिखा देती हूँ। सिंपल डेकोरेशन है, ज़्यादा ओवर डेकोरेशन नहीं, यानी सिंपल ही किए हैं दादा। सच्ची में ये देखिए, ये है हमारा डेकोरेशन। ये मैंने होममेड फ्लावर पॉट बनाया था। अगर इसका आपको लिंक चाहिए तो मैं इसको मतलब इसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बोल देना, मैं इसको फिर से एक वीडियो शूट करके दे दूँगी। और ये हम लोगों ने बोन में लिखा है, बस एक बलून चिपका देंगे। पहले मैंने सोचा दो बलून चिपकाऊँ या तो फिर मैंने सोचा नहीं एक ही चिपका देती हूँ, तो एक ही चिपका देंगे। हम सही में कर रही थी, बहुत हार्ड है बलून फुलाना। नहीं फुलाना इजी है, बट मतलब कि बार बार ये से बलून हवा निकल जाए पता नहीं क्यों, मतलब फुला देना हो जाएगा। दादा बड़ा मत फुलाओ, बड़ा मत फुलाओ, बड़ा ही फुला दे रही, पता चला बलून फुलेगा। वैसा हवा मेरे अंदर ही चला गया, ये हवा ही निकाल दे। और ये भी मैंने इसे मारा बिकॉज ये बलून है, तो भी जल्दी से बलून फुलाएगी करके। तुम पकड़ो, तुम शूट करोगे, लाइट मत पड़नी, लाइट से भी फट जाते हैं कभी कभार। बस बहुत है, बिकॉज ज़्यादा फुलाएंगे तो फट जाएगा, कम फुलाएंगे तो हवा निकल जाएगी इसकी। तो फ्रंट कैमरा करो, फ्रंट कैमरा करो, फ्रंट जाएगा। मैं तब से इंतज़ार कर रही हूँ, अभी तक आ नहीं रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब 10 मिनट होने जा रहे हूँ, अभी तक नहीं आ गई, मतलब यहीं पास में फ्रिज में पड़ा हुआ तो भी नहीं आ गया। वाओ लाइट है, वो आ गई आ गई आ गई, इसलिए दरवाज़ा का आ गया। तो फाइनली हमारा केक आ गया है। प्रज्ञा मैडम से बात करिए। गाइस फ्रिज में था इतना ठंडा था, मेरे हाथ में पकड़ा ही जा रहा था। 10 मिनट लगाएगा कोई, मतलब यही पास में फ्रिज में रखा हुआ था तो भी 10 मिनट लगेगा। वाह, तो जाओ अभी टेबल ये रख के आओ, इस बास्केट को नहीं जरूरत है, जाओ तब तक मैं शूट करती हूँ। हाँ तो मैं इसको अच्छे से प्लेस कर देता हूँ, वेट मैं भी आपकी थोड़ा सा। तो फ्रेंड जब मैं अपना केक दिखा दूँ, ऐसे ये होममेड केक है, सी दिस, ये चॉकलेट वो होता है ना हर्शले चॉकलेट सिरप वो है। एंड अभी हम लोग शूट करेंगे, तो अभी हम लोग केक कटिंग करेंगे, हम दोनों ही करेंगे। तो इसको रख के आओ, ये वाला नहीं, जाओ इसको रख के आओ बिकॉज ये छुरी बहुत धार है, इसका ना हाथ पैर कटेगा। तो फ्रेंड्स प्रज्ञा फाइनली वो चाकू रख के आ गए बिकॉज वो चाकू बहुत धार था, मम्मी का वो सब्जी काटना। ये प्लास्टिक वाला मैंने हमने लाया बर्थडे में बहुत बड़ा। हाँ ये हमने आउटसाइड से लाया है, ये हैप्पी बर्थडे का पिंक वाला, बहुत सारे कलर्स थे, ऑरेंज ग्रीन पिंक रेड, बहुत टाइम के थे, बहुत रेड पिंक पिंक अच्छा लगा बिकॉज हमारा थीम भी पिंक है, ज़्यादातर चिक्स पिंक भी नाइफ भी होना चाहिए, पिंक नाइफ भी रख लिया। चलो छोड़ो, तो अभी हम लोग केक कटिंग करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी स्टार्ट करेंगे, एक दो मिनट बाद, अभी रुक जाओ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग सोच रहे केक कट कर ले, तो चलिए केक कट करते हैं, कुछ म्यूजिक बजा के आते, रुक जाओ मैं ब्लूटूथ लेकर आता हूँ, स्पीकर लेकर आएंगे उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो प्रज्ञा भी पकड़ेगी, तो चलिए गाइस वेट करते हैं कितने देर में ब्लूटूथ लगे। ऐसे मुझे कहा केक कितने मिनट में लाइए ये लड़की, ऐसे इसका ब्लूटूथ का भी वेट कर सके तो मैं लगा दी। आ गए फाइनली, मैं ब्लूटूथ लेकर और बलून गिर गया। ये बलून बार बार गिर रहा है, बलून चिपकेगा नहीं लगता है, जल्दी बलून को हमारे बर्थडे में आना नहीं। तो मैं ब्लूटूथ लेकर आ गई हूँ, अभी मैं कनेक्ट कर लूँगी इसे। मुझे तो मन कर रहा है केक काट के खा भी लो, नहीं बट स्वादिष्ट दिख रही है बिकॉज इसमें हमारा फेवरेट चीज़ है पीनट बटर और जाम एंड हर्शले चॉकलेट सिरप। पीनट बटर लास्ट में है और पीनट बटर नीचे के कोटेड में एरिया कोटेड में है पीनट बटर। तो फ्रेंड्स अभी मैंने कनेक्ट कर दिया, मैं सॉन्ग अभी बजाऊंगी, ये कोई मैं जो मिला
साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday. तो फ्रेंड्स केक रियली बहुत डिलीशियस था। पीनट बटर का हल्का चुनते हैं कि टेस्ट आया ऊपर से हर्षी फर्स्ट डाल तो उसका अच्छा खासा टेस्ट आया चॉकलेट जैसा ऊपर से जैम बॉडी में है। मुझे लास्ट में पीनट बटर का टेस्ट आया। उसमें लोग एक स्पेशल चीज़ भी दिया है, वो बहुत स्पेशल है, उसको बताऊँगी तो वो सीक्रेट रिवील हो जाएगा। तो फ्रेंड्स केक कट हो गया है, केक रियली बहुत यम्मी था, पड़ा गया सभी पूछ लीजिए। यस ठीक है, एक और खा लीजिए, आप वन बाइट आप मोर खा लीजिए, आप भी खा सकते हैं अगर आप यहाँ पे होते तो, बट आप नहीं हैं, जब भी हम लोग मिलेंगे ना तो आपको भी खिला देंगे। चलिए छोड़िए, आप कैमरा वापस लाओ। तो केक बहुत डिलीशियस था एंड थैंक यू। और आज का व्लॉग बस इतना ही, व्लॉग नहीं वीडियो समझ लो, व्लॉग ही टाइप का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत ही यम्मी था। हाँ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।